नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे आलू की टिक्की कैसे बनाई जाती है। इसके लिए पहले आप सामग्री नोट कर लीजिए। आलू की टिक्की, इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है 1 किलो आलू और 500 ग्राम घी, देसी घी ले लेना है इसके लिए, और एक कढ़ाई और थोड़ा सा धनिया मिर्च मसाला और इसके लिए ले लेने हैं 1 मटर, मटर के कुछ दाने ले लेने हैं, सौ ग्राम। इसके बाद हमें क्या करना है कि 1 किलो जो आलू हैं इनको बर्तन में प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने वो उन आलुओं को बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा होने पर उनको छील लेना है, छील करके साफ कर लेना है। उसके बाद आपने कढ़ाई में कढ़ाई में देसी घी डाल के गर्म करने के लिए रख देना है, और आलू जो है आलू को जो छील के सभी को आलू छील को उनको हाथों से अच्छी तरह गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने उसमें धनिया मिर्च मसाला और मटर के दाने इन सभी को और नमक स्वाद अनुसार डाल के इन सभी को अच्छी तरह मिला लेना है और उनको अच्छी तरह गूंद लेना है। गूंदने के बाद किसी इसको आकार देने के लिए आप किसी गोल ढक्कन ले सकते हैं, कोई मर्दमान का छोटा ढक्कन होता है गोल वाला, उसमें रख के उसको अच्छी तरह आकार बनाकर गोल गोल टिक्की का आकार बना सकते हैं, और बना के उसको रख दीजिए। आपका घी गर्म हो चुका है और वो उन टिक्कियों को उठाकर उसके में इसमें 2-3 टिक्कियां जो हैं आप उसमें रख सकते हैं, तल सकते हैं, और जैसे ही आप तलते रहें और उसमें जब तक वो रेड ब्राउन नहीं हो जाती, रेड ब्राउन होने के बाद आप उसको बाहर निकाल दीजिए। आपकी टिक्की तैयार है। आप इसको सॉस, चटनी, हरी चटनी, धनिया की चटनी घर में बनाकर, पुदीने की चटनी उसको पीस के घर में बनाकर उस चटनी के साथ आप ये टिक्की आलू की टिक्की का मजा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।